Hi guys, welcome back to Mass Study Friends. Friends, I am very happy today. Oh, I am very sad today. So friends, when we want to show that we are happy or when we want to show that we are sad, sometimes we are in grief, sometimes our mood is off. So in that situation, we use some words and these words are called some common interjections. So guys, while speaking these words, which kind of pronunciation you need to make? So see guys, I have the list. और दोस्तों ये लिस्ट जो है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये क्या होते हैं कॉमन इंटरजेक्शंस, क्या होते हैं दोस्तों? इनको हम हिंदी में बोल सकते हैं विस्मयादिबोधक वर्ड्स, विस्मयादिबोधक। हिंदी में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन इंग्लिश में इनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। और इनको हम कब बोलते हैं? जब हम अपनी फीलिंग्स, कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, सो एक्साइटमेंट में, जॉय में, दुख में, सैडनेस में हम जो शब्द निकालते हैं ना सडनली, वो यही लिस्ट है। तो इन शब्दों को हमें जब बोलने हैं, जब हम अंग्रेजी में बोलें तो इट इज़ आर ड्यूटी कि हम उनको सही बोलें, प्रोनंसिएशन हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि हम इन्हें कैसे प्रोनाउंस करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ओ। तो इसका इस्तेमाल, जो इसका प्रोनंसिएशन है वो क्या है? ओ। और इसको हम कब बोलते हैं? जब मान लो कि आप चल रहे हैं और आपके आपकी ठोकर से कुछ गिर गया, ओ शिट, ओ व्हाट हैपेंड, व्हाट आई हैव डन। तो ओ का इस्तेमाल अब तब करते हैं जब आप, क्या है कि सडनली कोई घटना घट जाती है, उसका आपको अफसोस होता है, बुरा लगता है, तब आपको ओ इस्तेमाल करना है। और बोलते समय आप कैसी फीलिंग होनी चाहिए, आपकी जो भावना कैसी होनी चाहिए, शोक या अफसोस वाली होनी चाहिए। सी द सेकेंड वर्ड ए। अब दोस्तों ए जो है ये क्या होता है कि आश्चर्यजनक, मतलब जब आप सरप्राइज होते हैं ना, मान लो विराट कोहली अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा है और अचानक वो बोल्ड हो जाता है, बॉलर उसको आउट कर देता है, तो बोलते ए। तो व्हाट आई मीन टू से इज व्हेन यू गेट्स, व्हेन आप जब सरप्राइज हो जाते हो तब आपको सरप्राइज वाली सिचुएशन में आपको ए का इस्तेमाल करना है, है ना। अगला वर्ड देखिए दोस्तों हमारा अलाश। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। अलाश का मतलब होता है जब दुख हमें व्यक्त करना हो, जैसे अलाश माई फ्रेंड इज नो मोर, मेरा दोस्त अब नहीं रहा, अलाश वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। तो अलाश जो क्या करता है, ग्रीफ को शो करता है, दुख को बताता है, इसका इस्तेमाल आपको तब करना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुर्रे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हुर्रे। हुर्रे का मतलब क्या होता है? जब हम मैच जीत जाते हैं, कोई चीज हमें मिल जाती है, हुर्रे आई हैव टॉप्ड, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो हुर्रे का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो, उछल कर जब हमें खुशी महसूस करनी हो या बतानी हो, तब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एंड द प्रोनंसिएशन इज हुर्रे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड हेल। दोस्तों ये वो वाला हेल नहीं है, नरक वाला हेल नहीं है, है ना। ये हेल का मतलब होता है हेल द किंग, जब किसी किंग का स्वागत होता है, किसी व्यक्ति का स्वागत होता है ना, तब हम इस हेल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एच ए आई एल, हेल। हेल का मतलब होता है स्वागत या अभिवादन करना, ठीक है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों ब्रेवो। ये वही व्यक्ति, खिलाड़ी, ये खिलाड़ी का नाम भी है ना, देयर इज अ नेम ऑफ अ प्लेयर ब्रेवो। तो ये जो ब्रेवो है ना, ये हम तब कर, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम जो है किसी को शाबाशी देना चाहते हैं। ब्रेवो माय बॉय, तुम मेरे बहुत बहादुर बच्चे हो। मान लो कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई क्रिकेटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप बोलते हो ब्रेवो जडेजा, रविंद्र जडेजा ब्रेवो, या फिर विराट कोहली ब्रेवो। तो ब्रेवो मतलब जब कोई बहुत अच्छा काम करता है उसको आप शाबाशी देते हो, उसकी वीरता को आप जो है प्रोत्साहित करते हो, मोटिवेट करते हो, तब आपको ब्रेवो वर्ड का इस्तेमाल करना है। नासी गाइस एक वर्ड है फी। फी का मतलब क्या होता है? फी, ये वर्ड आप जरूर इस्तेमाल करें अगली बार। फी मतलब होता है छींछी, मतलब आपको कभी गंदगी जैसी फीलिंग आए ना, मतलब घृणा उत्पन्न हो, हैट्रेड उत्पन्न हो, कि यू हेट समथिंग विच, व्हेन यू सी समथिंग विच इज यू डोंट लाइक, विच यू डोंट लाइक, तो आपको बुरा लगता है, तो आप कैसे बोलोगे? फी। फी मतलब कितनी गंदगी। मान लो आप हॉस्पिटल में हैं या आपको वहाँ गंदगी दिखती, तो फी, फी मतलब व्हाट अ डर्टी सिचुएशन। तो फी का मतलब होता है जब कोई गंदी चीज़ आप देख लेते हो वहाँ पर आपको फी बोलना है, ठीक है। इसको फाई मत पढ़ लेना। शेम, शेम तो आपने बचपन से सुना होगा, जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा बुरी हरकतें करता है, गंदी हरकतें करते हैं, तो आप बोलते हो शेम शेम बॉय, शेम शेम, मतलब ये क्या है। तो आपको जब कोई चीज़ ऐसी दिखती है जो मतलब आप चाहते हो कि ये क्या करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो शेम ऑन यू, हम क्या बोलते हैं? शेम ऑन यू, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, अच्छा इसका एक और ध्यान रखना है, इसको हम ब्रेवो भी पढ़ सकते हैं, ब्रावो भी पढ़ सकते हैं, दोनों इसके प्रोनंसिएशन होते हैं, कई जगह ब्रेवो पढ़ा जाता है, कई जगह ब्रावो पढ़ा जाता है। अगला देखिए
शेम का मतलब होता है शर्म आना, जब आप किसी को शर्मिंदगी महसूस करवाना चाहते हो वहाँ पर आप शेम बोलते हो उसको, ये वर्ड आपने सुना होगा। अगला वर्ड है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है यू नो व्हाट, ओ माई गॉड, तो व्हाट आपने बोला, तो व्हाट मतलब जब आप जब कोई न्यूज़ सुनते हो, व्हेन यू लिसन टू अ न्यूज़, उस समय आप बोलते हो व्हाट, इज इट रियली हैपन, ये सच में हुआ क्या, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, जब आप आश्चर्यचकित होकर आप बोलते हो। दोस्तों ध्यान रखना इसको व्हाट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर मैंने एच लिखा जरूर है लेकिन बेसिकली वो एच साइलेंट है, इसको हम व्हाट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, व्हाट। लास्ट वाला वर्ड बहुत सिंपल है, वेलकम का मतलब होता है स्वागत। तो मैंने दोस्तों देखिए यहाँ पर बेसिकली आई हैव रिटन 10 वर्ड्स और ये कॉमनली यूज होते हैं, ओ ए अलास हुर्रे हेल ब्रेवो या ब्रावो फी शेम व्हाट एंड वेलकम, इनकी प्रोनंसिएशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार रीड भी कर सकते हैं और ये इनके मीनिंग्स बोल सकते हैं या फिर इनको ये सिचुएशंस है कहाँ पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेसिकली इन वर्ड्स का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, बट इनको हम सडनली हमारे मुंह से निकलते हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हैं सिचुएशंस में। तो आई होप कि कुछ नया मैंने आज ट्राई किया है, आपको ये जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा मास स्टडी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है आप जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें मास स्टडी और उसको डाउनलोड करें, वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। अगर आप लॉकडाउन में फ्री हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखें और अंग्रेजी में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी आपको ज़रूरी लगता है इंग्लिश सीखना कि आपके जीवन में बहुत काम में आएगी, तो आप कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एज ए स्टूडेंट लॉगिन करना है क्लास में, उसमें कोर्सेज है, बेस्ट स्पोकन कोर्स पर क्लिक करना है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल अस। इतना आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप मुझे वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं कि जब आप आपने आज ये 10 वर्ड्स देखे और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप दुख में दुख व्यक्त करने के लिए या खुशी जाहिर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ऐसे इंटरजेक्शंस आप ज़रूर बताएं। आई होप आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।